जनपद गाजीपुर में इन दिनों मौत के आंकड़ों को लेकर काफी सुर्खियों में है। कारण कि जनपद के गंगा घाटों पर अचानक से लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जल प्रवाह करने वाले लोगों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जनपद के शमशान घाट पर आने वाले शव के अंतिम क्रियाकर्म के पश्चात शमशान घाट संचालकों के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की पर्ची दी जाती थी, जिसे लेकर परिवार के लोग नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत में मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराते थे। लेकिन जिला प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा इस तरह के प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दिया गया है, जिसके चलते शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। सबसे अधिक प्रॉब्लम दूसरे जनपद से आने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि उनके जनपद के कर्मचारी अधिकारी मृत्यु का वेरिफिकेशन करने दूसरे जनपद कैसे आएंगे। कि हमने डेड बॉडी लेकर के आया और पर्ची हमने टोकन लगाया, टोकन में पर्ची मिला, पर्ची के ऊपर कोई वो नहीं है, मतलब रजिस्टर में एंट्री किया गया, कोई स्लिप कोई पर्ची नहीं मिला डेड बॉडी का, ताकि मृतक प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए, ताकि हमारा जो गुजरा हुआ है उसका पेंशन है, उसका राशन कार्ड था उसके नाम से, तो उसके नीचे वाले को राशन कार्ड बने और उसका पेंशन का जो पैसे बैंक में रुका हुआ उस पैसों को हम उतार करके इनका काम क्रिया खर्च करें। तो ये लोग बता रहे हैं कि ये यहाँ से नहीं मिलेगा, ऊपर से आधे से ये सब बंद हो चुका है। मिलता था आज के 6 तारीख को मेरी माता जी एक्सपायर की थी, उनके लिए पर्ची मिला था, वो पर्ची हमारे पास रखा हुआ है जी। और आज क्या? आज हमारी दादी जी एक्सपायर कर गई हैं, उनका हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। घाट घाट की बात कर रहे हैं, उधर कौन सा जनता घाट, जनता घाट की बात जी। लेकिन नगर पालिका का कहना कि हम तो ऑनलाइन जो है दे रहे हैं सबको मृत्यु प्रमाण पत्र। नगर पालिका का कहना है, लेकिन कुछ तो प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। नगर पालिका को क्या पता कि हम एक्सपायर किए हैं या नहीं किए हैं, कुछ तो प्रूफ हमारे पास होना चाहिए घाट से। पिताजी को लेकर क्या है, बड़े पिताजी का उनका देहांत हो गया सर, तो पर्ची नगर पालिका की तरफ से मिली और कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला सर, तो ये पेंशन वाला समस्या और जो है बाल बच्चों के लिए कैसे होगा ये बड़ी सबसे। शमशान घाट से पहले जो प्रमाण पत्र मिलता था वो मिला कि नहीं? नहीं मिला है सर। क्या क्या बोल रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि ये हो गया है, अब नगर पालिका DM साहब देंगे। शमशान घाट से नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था कब से बताई जा रही बंद हुआ है? बस ये 10 रोज से बता रहे हैं ना सर, पहले मिलता था, हम लोग लिए थे पहले। वही इस प्रकरण को लेकर शमशान घाट के संचालकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर हमें 12 तारीख को SDO साहब और कचहरी में बुलाया गया था कि आप आइए, वहाँ पे कुछ मीटिंग है। वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे बोला गया कि आप लोग रसीद जारी नहीं करेंगे, हाँ जो हमारा रजिस्टर है वो मेंटेन आप लोग करेंगे रजिस्टर मेंटेन, और यहाँ पे एंट्री कराने के बाद नगरपालिका आपको एक छोटा सा टोकन देगी एंट्री करने के बाद, और आप लोग रजिस्टर मेंटेन करेंगे। तो सर हमारे यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि किसी का बीमा है या तो फिर कोई अपना खाते में पैसा जमा किया है कुछ, तो उनको सर्टिफिकेट मसान घाट का चाहिए सर, मांग रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या किया जाए? क्या ऐसे में जो लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और आप नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ लेकर किसी को, बहुत सारे लोगों से क्या हुटू भी या कुछ बातें भी हो रही है? जी सर, जी सर, हमें ये बोला जा रहा है कि आप पर्ची दीजिए हम उनसे समझ लेंगे, हमें कुछ डराया धमकाया भी जा रहा है कि आप पर्ची जारी कीजिए। अच्छा, डरा भी जा रहा है? जी सर। अच्छा, जो रजिस्टर में आप लोग एंट्री कर रहे हैं उसमें क्या क्या एंट्री कर रहे हैं? सर एंट्री में जैसे दिनांक हो गया, स्वर्गीय में मृतक का नाम हो गया, उम्र, उनके पिता का नाम और उनका पूरा पता, मोबाइल नंबर और 2 गवाह, और समय डाला जा रहा है क्या बजे आप आए। प्रक्रिया होती तो उसको कर रहे, सिर्फ सर्टिफिकेट आप लोग नहीं दे रहे? बस सर, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। आखिर इस प्रमाण पत्र को देने से क्यों रोका गया, इसको लेकर जब हमने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लालचंद सरोज से बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रमाण पत्र वहाँ देखिए, जलाने वाले डोम अपनी रसीद हुई, उस प्रमाण पत्र नहीं था। आईडी पकड़ ली। जलाने वाले डोम राजा अपनी रसीद देते थे, लेकिन इस इधर भी तमाम प्रकार की जगह जगह शिकायतें आने लगी, रसीदों के नाम पर वसूली हो की जा रही है। उसी को प्रकाशन के तहत ये रसीदें बंद कराई गई हैं, उन रसीदों का कोई महत्व नहीं होता है। प्रमाण पत्र जो सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप ऑनलाइन प्रक्रिया से बनता है, उस प्रमाण पत्र का महत्व है। नगर क्षेत्र में नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी बनाते हैं, उसका महत्व है, बाकी इनकी रसीदों का कोई महत्व नहीं है। तो नगर पालिका में अगर आप अप्लाई करेंगे तो रसीदों का कोई महत्व नहीं है, हमारा कर्मचारी मौके जाकर जानता है, गवाह बयान लेता है, उसका आधार जारी होता है।
बहुत सारे लोगों का सर ये कहना है कि ये प्रमाण पत्र होता है तो जो मृतक है उनका पेंशन रुका हुआ है या इस तरफ को जो डॉक्यूमेंट लगाने के बहुत सारे काम में आते थे। कहीं पर भी किसी कार्यालय में पता करिए इन प्रमाण पत्र का मांगा जाता हो, हर जगह सरकारी प्रारूप जो निर्धारित सरकार का प्रारूप है उसी पर प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, तो प्रमाण पत्र कार्यालय में मिलते हैं ना।